हेलो एंड वेलकम बैक टू ड्रीम एक्सपेंसेस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डेटा कैसे मेजर होता है, बिल्कुल आज इसी टॉपिक की बात करेंगे। बेसिक एनालिटिक्स की समझ ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग की, चाहे आप बिजनेस ओनर भी हैं तब भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए मैं बना रहा हूँ जो फ्रेशर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ चुके हैं, उनको एक साल दो साल हो चुके हैं और तब भी उनको एनालिटिक्स का नहीं पता है, अभी तक बेसिक आइडिया भी नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए, जिसके ना होने से आप कभी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे, अच्छा करियर नहीं बना सकते आप। आपको जब भी कोई हायर करेगा आपको ये मांगेगा ही मांगेगा और ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। बेसिक तो बहुत ही नेसेसरी है। तो बेसिकली दो टूल्स, जो गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल, ये हमारे जो दो मेन टूल्स हैं। वैसे बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन ये मेन दो टूल हैं जो सारी इंडस्ट्रीज, सारी कंपनीज यूज़ करती हैं, फ्री में अवेलेबल हैं गूगल से दिए हुए, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये बेसिक समझ आपको इन दोनों टूल्स की होनी चाहिए। चाहे आप SEO में हो, चाहे पेड मार्केटिंग में हो, चाहे ऑर्गेनिक सोशल मीडिया आप संभालते हो, चाहे आप पेड कैंपेन्स चलाते हो, आप किसी भी फील्ड में हो डिजिटल मार्केटिंग की, ये बहुत नेसेसरी है, बिलीव मी। और आपको एक बेसिक समझ मैं इसी वीडियो के अंदर एक ट्यूटोरियल छोटा सा बना के आपको दिखा रहा हूँ और आपके सामने मैं लेके चलूँगा आपके हमारे एनालिटिक्स और सर्च कंसोल पे। आपको दिखाऊंगा बेसिकली जो चीज़ें हैं वन एंड से सेकेंड एंड कैसे चलती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म पे आपको समझनी ज़रूरी हैं और देखनी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा। तो चलो, मैं हूँ युवराज अगेन एंड चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बहुत पहले वीडियोस में बताया था कि मेरा एक डमी ब्लॉग है, बहुत साल पहला पुराना पड़ा हुआ है, ऐसे ही कबाड़ पड़ा हुआ है एक तरह से तो उसके ऊपर ही मैं आप लोगों को वीडियोस बना के दिखा देता हूँ ताकि आसानी होती है, उसमें मुझे ज़्यादा यू नो ब्रांड्स वगैरह हाइड नहीं करने पड़ते और वो सब चीज़ें। तो इसलिए तो ये मैंने ओपन कर लिया है अपना एनालिटिक्स, और जिसको पता है कि गूगल एनालिटिक्स पहले पुराना वाला यूनिवर्सल एनालिटिक्स था और अब जो है आप यहाँ नाम पढ़ रहे हो GA4। तो जो कन्वर्ट कर चुके हैं जुलाई के बाद से GA4 हमारा एनालिटिक्स यूज़ हो रहा है और उसमें चेंजेस हुए हैं काफ़ी पुराने एनालिटिक्स से। यहाँ मैं आपको अभी दोनों दिखाने वाला हूँ ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मिल जाए जो पुराने वाले से और नए वाले में क्या अंतर आया। तो ये तो हो गया GA4, लेकिन पहले हम चलते हैं पुराने एनालिटिक्स में, फिर हम इसकी बात करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो पुराना एनालिटिक्स मैं खोल लेता हूँ, ये इस तरीके से UA लिखा होता था पुराने वाले में, आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो मेरी, और UA के अंदर मैंने जैसे ये खोला तो यहाँ पे मैंने खोल के रखा। अब ये कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखता था पुराने एनालिटिक्स का हमारा। तो यहाँ पे होम पे आपको यूज़र, सेशंस, बाउंस रेट और ये सेशन ड्यूरेशन, क्योंकि ये जीरो है आपको पता है, मैं बता रहा हूँ डमी ब्लॉग है, कबाड़ है तो कोई इस पे आता जाता नहीं है, ये आपके समझाने के लिए मैंने आपके लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे ट्रैफिक, चैनल, सोर्स, मीडियम, रेफरल्स, कि भाई कहाँ से आ रहा है ट्रैफिक, सोर्स क्या था, जैसे आप यहाँ पे अगर आप होवर करोगे तो दिख जाएगा आपको डायरेक्ट आया विजिटर, ऑर्गेनिक सर्च से आए 3, तो इस तरीके से। और इसी तरीके से फिर एक्टिव यूज़र्स का ग्राफ आपको यहाँ पे दिख जाता है, 7 दिन, 1 दिन, और इस तरीके से किस कंट्री से लोग आ रहे हैं, कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल या डेस्कटॉप, और कौन से कुछ हमारे विजिटर्स पेज जो विज़िट कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से दिक्कत है। अब ऐसे ही यहाँ पे आप जाओगे, कस्टमाइजेशन है, कुछ कस्टमाइजेशन अभी आप छोड़ दो, रियल टाइम का व्यू आपको यहाँ पे दिखता था, अगर रियल टाइम में आपके कुछ देखना चाहते हो आप क्या चल रहा है, एक्टिव यूज़र्स जो करंट प्रेजेंट आपकी वेबसाइट पे होते थे वो दिख जाते थे। ऐसी ऑडियंस एक्विजिशन बिहेवियर, अब हम GA4 पे चलते हैं और वहीं पर हम इसकी बात करेंगे। तो GA4 पे वापस आते हैं और ये GA4, अब आप देखो आपको पहले तो डैशबोर्ड जो है वो डिफरेंट नज़र आएगा। अब इसके अंदर वो सेम है, यूज़र, न्यू यूज़र, यहाँ इवेंट काउंट आ गया है और एवरेज एंगेजमेंट टाइम, उन्होंने नाम बदल दिया एवरेज सेशन ड्यूरेशन से, तो अब एंगेजमेंट टाइम कर दिया है, बेसिकली कितनी देर एंगेज हुआ यूज़र, वो था एवरेज सेशन ड्यूरेशन, कितनी देर का सेशन था, ये है कितनी देर तक एंगेज कर रहा है, अगर एंगेज ही नहीं कर रहा तो वो काउंट नहीं हो रहा। तो बेसिकली इस तरीके से डैशबोर्ड में चेंजेस आए हैं और अब कंट्री वाला ये सेम है, यहाँ पे पेजेस आ गए हैं, यहाँ पे सेशन आ गए हैं, कुछ नेमिंग पता है नेमिंग वगैरह में चेंजेस आए हैं, जैसे सेशन डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुप बोलते थे पहले हम, अब सेशन डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुपिंग है, जैसे ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेशन डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुप, तो वो जो काम करता है बेसिकली उसको समझ ज़्यादा आएगा। आपको यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रिपोर्ट्स के अंदर, चीज़ें अब इन्होंने रिपोर्ट्स में डाल दी हैं, रिपोर्ट्स के अंदर अगेन रियल टाइम जैसे उधर भी था, फिर एक्विजिशन, एंगेजमेंट और मोनेटाइजेशन, इन्होंने 3 सेगमेंट्स में बांट दिया,
और एक्विजिशन के अंदर आप जाते हो और ओवरव्यू में क्लिक करते हो तो यहाँ पे बेसिकली कैसे एक्वायर होता है यूज़र उस बारे में बात की जाती है। तो जैसे आप देख लोगे कि ऑर्गेनिक सर्च से आया है या डायरेक्ट आया है, ऑर्गेनिक सोशल से आया है, रेफरल से आया है, सेशन डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग, फर्स्ट यूज़र डिफॉल्ट चैनल ग्रुप। तो बेसिकली ये मतलब ये कह रहा है कि पहला जो यूज़र घुसा वो कहाँ से घुसा, और ये जो हमारी ये कह रहा है कि ये सेशन डिफॉल्ट चैनल ग्रुप है, मतलब सेशन हमारा जो था कहाँ, कितने सेशंस हमारे प्रोड्यूस हुए उस चैनल ग्रुप से। ठीक है, तो बेसिकली ये एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ मैं। फिर यूज़र एक्विजिशन, यहाँ पे यूज़र आईडीज़ वगैरह के साथ आप एक्विजिशन, अब मेरी ये जो है डमी है, इसमें आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा मैं, वरना मैं आपको दिखा देता, पर आप एक आइडिया ले सकते हो कि जैसे एंगेज सेशन कितने थे और एंगेज। तो फिर यहाँ पे आप इवेंट काउंट्स, कन्वर्जेंस ये सब देख सकते हो। इवेंट्स जो होते हैं हमारे GA4 के अंदर, आप जितने भी वेबसाइट के ऊपर आप कोई भी चीज़ देखते हो, आपका पेज व्यू भी एक इवेंट होता है कि जैसे यूज़र आपके साइट पर आया, उसने एक पेज व्यू किया, वो भी एक इवेंट है। और जितने भी बटन्स आपके साइट पर होते हैं, वहाँ पे आपका यूज़र क्लिक कर रहा है, वो भी एक इवेंट है। तो जितने भी टाइप के इवेंट होंगे ना, तो वो सारे इवेंट्स, और फिर उन इवेंट्स के अंदर आपको देखना है कि कौन सा आपका कन्वर्जन वाला है। जैसे मान लो किसी साइट के लिए कॉन्टैक्ट अस होता है या किसी के लिए साइन अप होता है, ये जैसे बटन्स CTA के जो होते हैं, जो यूज़र रखता है, मतलब ओनर, वेबसाइट ओनर रखता है ताकि उससे वो कन्वर्जेंस मेजर कर सके, वो वाले जो इवेंट्स हैं वो कन्वर्जेंस के अंदर आ जाते हैं, और वहाँ से आपको दिख जाएगा कि कितने लोग कन्वर्ट हुए कौन से चैनल से। अब अगेन इसी तरीके से आप ट्रैफिक एक्विजिशन पे जाओगे तो वहाँ पे भी कुछ सेम चीज़ें लेकिन डिफरेंट फॉर्म में आपको मिलेंगी, जैसे सेम चीज़ें अगेन जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में, टेबल्स वगैरह में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, एंगेजमेंट रेट है, जैसे इवेंट पर सेशन थोड़े से और डिटेल्ड है। और यहाँ से आप कुछ फिल्टर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी साइट अगर बड़ी है और आपको कुछ फिल्टर करना है तो यहाँ पे आप ऐड डायमेंशन कर सकते हो। डायमेंशन ऐड करके आप उसको फिर जैसे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मान लो डायमेंशन है मेरी लैंडिंग पेज, मैंने यहाँ पे लैंडिंग पेज प्लस क्वेरी स्ट्रिंग डाला। अब मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से लैंडिंग पेज मान लो मुझे वो चाहिए जो कंटेंस हैश समथिंग, मतलब जो भी, यहाँ जैसे मेरे को ब्लॉग देखना है तो हैश ब्लॉग, यहाँ से अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिल्टर्स बहुत सारे हैं GA4 के अंदर जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन एंगेजमेंट के अंदर अलग अलग आप देख सकते हो, जैसे इवेंट्स का सेक्शन है, देन कन्वर्जेंस का है, लैंडिंग पेजेस में आपको लैंडिंग पेज वाइज दिख जाएगा सब, जैसे ये आपका इवेंट्स का है, जैसे कैसे, जैसे यहाँ पे मेरा पेज व्यू एक इवेंट है, सेशन स्टार्ट, ये कुछ डिफ़ॉल्ट इवेंट्स हैं। फिर कॉन्टैक्टर्स, जैसे ये मैंने बनाया था तो कॉन्टैक्टर्स का इवेंट है, और यही मेरी बेसिकली कॉन्टैक्टर्स कन्वर्जन है। तो ये सारी सेटिंग ना कौन करता है, जनरली कंपनीज जो होती हैं वो एक एनालिटिक्स का बंदा रखती हैं ताकि ये जो सेटिंग्स हैं गूगल एनालिटिक्स की वो कर सके, डेवलपर के साथ इन्वॉल्व होकर। डेवलपर्स की भी इस पर कहीं ना कहीं थोड़ी नीड पड़ती है, साइट के ऊपर कोड लगाना है, कभी इवेंट सेटिंग करनी है, या कभी कभार गूगल टैग मैनेजर यूज़ करते हैं साथ में कंपनीज, तो उसके साथ इंटीग्रेशन करनी, उसमें कभी कभार डेवलपर्स का भी रोल होता है, काफ़ी बार होता है, तो एनालिटिक्स का बंदा होगा। लेकिन अगर आप किसी भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अगर आपको बेसिक इसकी समझ नहीं है तो फिर भूल जाओ, आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपको समझ रखनी है उस चीज़ की। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डेटा, ये ऊपर ऑप्शंस दिए होते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं GA4 की जो आपको मतलब ज़रूरी है। यहाँ पे लैंडिंग पेज एक्सप्लोर कर लेना, एक लैंडिंग पेज के लिस्ट वाइज, उसमें लैंडिंग पेजेस की लिस्ट के वाइज आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सेशंस है और वही सब, कन्वर्जेंस और ऑल। अगेन यहाँ पे आप जो टेबल देख रहे हो उसके अंदर भी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आप डेमोग्राफिक्स है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप जैसे मान लो आप सेग्रीगेट करना चाहते हो जेंडर से, तो वो एक सेक्शन डाल देगा इसमें टेबल में और इसको सेग्रीगेट कर देगा, आपको कुछ रिफाइन ट्यून कर देगा जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे। तो ये बेसिकली है GA4 का पूरा एक बेसिक ओवरव्यू, जो मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और ये भी होप करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि यूज़ ज़रूरी है करना जिससे आप रिपोर्ट्स बना सको। अब इसके लिए जैसे मान लेते हैं, अब ये मेरी एक रिपोर्ट है, अब मुझे इसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे शेयर दिस रिपोर्ट का बटन है, अब इन्होंने शेयर दिस रिपोर्ट के अंदर डाल दिया, डाउनलोड फाइल करके ऑप्शन आएगा, डाउनलोड फाइल पर करोगे PDF या CSV, तो आप इसको यहाँ पे CSV मतलब वही शीट की फॉर्म में आ जाएगा और PDF आ जाएगी, तो ये आप क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगी और एक्सेल में आपका डेटा आ जाएगा और वहाँ से आप अपनी रिपोर्टिंग शुरू कर सकते हैं।
आगे आने वाली वीडियोस में मैं कुछ एडवांस अगर आप मेरे को कहोगे कमेंट्स में, मेरे को कोई कमेंट करता है अगर कोई किसी को ये पता हो पता मतलब किसी को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि गूगल शीट्स के ऊपर ये जो डेटा होता है GA4 का कैसे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करना है एक्सटेंशंस की मदद से। तो पहले हम पुराने एनालिटिक्स में भी ये करते थे काम, अब GA4 में हो रहा है ये काम और कैसे ऑटोमेटिकली बेसिकली उसका मार्केटिंग ऑटोमेशन का पार्ट होता है वो। और मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंदर गूगल शीट्स के ऊपर हम डेटा लेके जाते हैं। अभी तो जैसे कोई छोटी सी साइट है तो आप मैन्युअली कर लेते हो, लेकिन मान लो आपके पास 10-15 साइट्स हैं या फिर एक ही साइट है बहुत बड़ी है तो फिर उसमें ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो अगर आप में से कोई कहता है तो मैं ज़रूर उस पर आगे वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए कि कैसे आप ऑटोमेटिकली, बहुत ही बढ़िया चीज़ है वो, ऑटोमेटिकली आप शीट के ऊपर आपका डेटा लेके जाते हो और वहाँ पर आप फाइन ट्यूनिंग करते हो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो बेसिकली मैं वही यूज़ करता हूँ। तो ये हो गया हमारा GA4। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे गूगल सर्च कंसोल पे। अगेन गूगल सर्च कंसोल पे हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ दिखती हैं, इसमें से आप अपनी क्लिक कर लेना अगर आपकी 2-4 प्रॉपर्टी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिकली परफॉर्मेंस दिखती है, ये ग्राफ आ जाता है, यहाँ पे आपको टोटल जैसे वेब क्लिक्स दिख रहे हैं तो वो क्लिक्स दिखाता है, एंड देन इंडेक्सिंग, पेज इंडेक्सिंग वगैरह दिखा रहा है कि नॉट इंडेक्स हैं, 32 इंडेक्स्ड हैं, उसका ग्राफ रेड हो जाएगा अगर नहीं होगा कुछ तो, और फिर एक्सपीरियंस दिखा रहा है। तो बेसिकली अगर आपको पता हो, आप मार्केटर हैं, तो कि गूगल के अपडेट्स आए थे जिसमें उसने एक्सपीरियंस की बात की थी, एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है प्ले, और उसी के अंदर आता है कोर वेब वाइटल्स जिससे पेज की स्पीड डिफाइन होती है। तो अगर आपकी वो स्पीड नहीं है तो वही सारी डिटेल्स बेसिकली, मोबाइल पे अगर आपका पेज रिस्पॉन्सिव नहीं है तो वही एक्सपीरियंस में आ जाता है बेसिकली। एनहैंसमेंट में आ जाता है आपके स्कीमाज, अगर आप डिजिटल मार्केटर, आपको पता होगा, नहीं पता तो इसकी कभी और बात करेंगे, टेक्निकल SEO का पार्ट है बेसिकली वो। अब हम चलते हैं सर्च रिजल्ट्स पे, आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जो आपको अंडरस्टैंडिंग जिसकी होनी चाहिए। तो ये जो टूल है ना, बेसिकली गूगल एनालिटिक्स तो ऐसा टूल है जो सबको पता होना चाहिए। सर्च कंसोल बेसिकली ऐसा टूल है जो ज़्यादातर SEOs जो हैं हमारे वो यूज़ करेंगे, और पेड मार्केटिंग में इतनी इसकी नेसेसरी मतलब इसका इतना यूज़ नहीं है। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हो, पर नीड नहीं है। SEOs को बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता होना। अब यहाँ पे जाते हैं हम सर्च रिजल्ट्स के अंदर, तो आप यहाँ पे सर्च टाइप वेब है या फिर आपका इमेज है, वीडियो है, न्यूज़ है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरा होता है यहाँ पे डेट, यहाँ से आप 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ या फिर कस्टम डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप न्यू क्लिक करोगे, न्यू के अंदर क्या होगा, क्वेरी पेज कंट्री डिवाइस सर्च अपीयरेंस, यहाँ पे इन्होंने सेग्रीगेशन दे रखी है। जैसे मान लो मुझे पेज से ढूंढना है तो पेज URLs कंटेनिंग, या एग्जैक्ट URL आपको चाहिए तो एग्जैक्ट पे क्लिक कर दो, URLs कंटेन मतलब मैं कह रहा हूँ URL कंटेन ब्लॉक, तो वो जितने भी ब्लॉक के URLs होंगे उसकी लिस्ट दे देगा, या फिर कस्टम रिजेक्ट्स। अब ये क्या है कस्टम रिजेक्ट्स, मतलब कि कोई आपको एक्सप्रेशन देना है बेसिकली रिजेक्ट्स की फॉर्म में, वो भी आप दे सकते हो। रिजेक्ट्स को आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि क्या चीज़ होती है। यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं ये कवर नहीं कर सकता, आने वाली वीडियो में कवर कर सकते हैं अगर आप बोलोगे तो। पर बेसिकली ज़्यादातर यूज़ यही होते हैं एग्जैक्ट URL कंटेनिंग URL, उससे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है सही बताऊँ तो। और इसी तरीके से आप क्वेरी सर्च कर सकते हैं, जैसे आपको कोई कीवर्ड सर्च करना है पर्टिकुलर कि उस पर क्या चल रहा है वो सर्च कर सकते हैं, डिवाइस सर्च करनी है, कंट्री सर्च करनी है, सब हो सकता है। अब इसमें आपको यहाँ पे देखते हैं क्लिक्स, इंप्रेशंस, इंप्रेशंस मतलब कितने लोगों को आपका वो गूगल के ऊपर आपका लिंक दिखा और कितने लोगों ने क्लिक किया वो ये है, इसी को डिवाइड करके CTR क्लिक थ्रू रेट निकल जाता है और एवरेज पोजीशन आपको दिख जाती है। इस पर क्लिक करोगे तो इसका भी ग्राफ आ जाएगा। अब नीचे जाते हैं, यहाँ पे आपको अगेन दिखते हैं टॉप क्वेरीज, ये पेजेस हैं, कंट्रीज हैं, डिवाइसेस, सर्च अपीयरेंस जो हमने वहाँ ऊपर फिल्टर में देखे थे। तो यहाँ पे आपको क्वेरीज दिख जाती हैं, उसके क्लिक्स दिख जाएंगे, इंप्रेशंस दिख जाएंगे, पोजीशन दिख जाएगी अलग अलग। इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे ऊपर फिर आपको इसी का डेटा दिख जाएगा ऐसे। तो ये बेसिकली मेनली आपको इतना पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए अगर आप SEO हैं तो टेक्निकल SEO में ये पेजेस, ये इंडेक्सिंग वाला सेक्शन बहुत यूज़ होता है। साइट मैप्स के ऊपर आप जाके देखो आपका साइट मैप्स अपलोडेड है या नहीं, नहीं है तो आप यहाँ पे अपना साइट मैप का URL बनाओ, डालो, सबमिट कर दो। पेजेस में आपको देखना है कि कौन से पेज आपके इंडेक्स हैं और नहीं हैं इंडेक्स। यहाँ पे आपको क्या करता है बेसिकली सर्च कंसोल एरर्स दिखाता है, व्हाई पेजेस आरंट नॉट इंडेक्स्ड। तो यहाँ पे आपको कुछ एरर्स दिखाएगा, अगर रीडायरेक्ट है कोई, आपका क्रॉल नहीं हो रहा है, आपको हो रहा है, कोई robot.txt ब्लॉक कर रहा है, तो सारे जितने भी एरर्स हैं टेक्निकल SEO में यूज़ होते हैं। यहाँ पे मेरी ये डमी साइट है, इसमें ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा, वरना मैं आपको दिखाता प्रॉपरली।
टेक्निकल एसईओ पे वैसे मैंने पुराने टाइम पे बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, तो आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वो आप जाके देख सकते हो टेक्निकल एसईओ अगर देखना चाहते हो तो। पर हाँ, कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोर वेब वाइटल्स में आप अगेन जा सकते हो, एक्सपीरियंस का पार्ट है जिससे पेज की स्पीड वगैरह, यहाँ पे कुछ हमारे पास डेटा नहीं है, मैं आपको कैसे दिखाऊँ। पेज एक्सपीरियंस में जाके आप देख सकते हो, अगेन मेरे पास डेटा नहीं है इन सब चीज़ों का, मेरे पास डेटा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसकी आप जाके एक्सप्लोर करना जरूर। लेकिन अब लिंक्स में चलते हैं। लिंक्स क्या होता है हमारा, एक्सटर्नल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स। तो ये बेसिकली बैक लिंक्स जो ऑफ पेज एसईओ करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप बैक लिंक्स अपने एक्सप्लोर कर सकते हो, कौन से आपके बैक लिंक्स बेसिकली कैश्ड हैं। जो तो एक्सटर्नल लिंक्स में आप यहाँ पे टॉप लिंकिंग साइट्स के अंदर जाके इसको क्लिक कर सकते हो, मोर में आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली था हमारा गूगल सर्च कंसोल का ओवरव्यू। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। छोटा सा ट्यूटोरियल मैंने आपके लिए बनाया था उन लोगों के लिए, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो एनालिटिक्स नहीं करना चाहते हैं, कर नहीं रहे। देखो, करियर में आपके प्रॉब्लम होगी, ग्रोथ नहीं होगी, क्या फ़ायदा है। ग्रोथ करनी है तो ये बेसिक जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अपने आप जाओ एक्सप्लोर करो, और इसके बारे में डिटेल में आपको यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत जगह वीडियोस मिल जाएंगी। गूगल के खुद के ट्यूटोरियल हैं, इसके खुद का कोर्स भी है GA4 का, वो भी कर सकते हो जाके। वीडियो बनाने का इंटेंशन ये था कि आपको बेसिक समझ हो जाए एनालिटिक्स की, और कैसे बैकएंड के ऊपर पार्ट्स जो हैं डिजिटल मार्केटर और भी जो चीज़ें हैं वो करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ युवराज, रीमैक्स वेंचर्स में आपका बहुत बहुत थैंक्स आने के लिए। और हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, हाथ जोड़ के थैंक्स अलॉट कि आप लोगों ने सपोर्ट किया। और बहुत देर लगी ये टारगेट बीट करने में, लेकिन चलो हुआ तो सही। तो थैंक्स अलॉट उसके लिए, सब्सक्राइब करो यार चैनल को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।